हाय, वेलकम टू अनीतास किचन। और मैं आज आपके सामने लेके आई बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल रेसिपी, कढ़ी की रेसिपी जो हर एक के घर में बनती है और सभी को पसंद है। ये सबके घर में बनती है, पर सबके घर में डिफरेंट स्टाइल से बनती है। तो आज मैं बताऊंगी मेरे घर में मैं किस स्टाइल से उसको बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल वे में। और जो मैं सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और जो साथ में बेल बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पकौड़े बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी बेसन ले लिया है, या यूं कहिए कि जितने आपके मेंबर है उसके अकॉर्डिंग आप बेसन ले लीजिएगा। मैंने बेसन को छाना नहीं है। और इसमें मैं ये बहुत थोड़ा सा ये खाने वाला सोडा मिला रही हूं। अगर आपको ये नहीं डालना है, इसको अवॉइड करना है, तो आप मत डालिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको आप बहुत अच्छे से फेंटिएगा फिर। तो मैं ज्यादा नहीं फेंटने वाली, इसलिए मैं इसमें खाने का सोडा मिला रही हूं, और थोड़ा सा यहाँ पे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और थोड़ी सी ही मिर्च डाल रही हूं बस। अगर आपको प्याज के खाने, आलू के खाने या मेथी डाल के, मैं ये सिंपल ही बनाने वाली हूं पकौड़े, क्योंकि हमारे घर में सबको ये वाले सिंपल ही पसंद है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप घोलिएगा, ताकि लम्स ना पड़े, एक साथ सारा पानी मत डालिएगा। अच्छा स्मूथ इसका बैटर तैयार कर लीजिए आप। ये बैटर मेरा बनके बिल्कुल रेडी है, देखिए 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे इसको, और ये बिल्कुल स्मूथ बैटर, ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए बैटर कि इजीली पकोड़े बनाए जा सके। तो ये बिल्कुल रेडी है, मैंने इसको रखा नहीं है रेस्ट के लिए, मैं इंस्टेंट बनाने वाली हूँ सब कुछ। तो मैंने ज्यादा इसको फेटा नहीं, अगर आप सोडा ना डालें तो आप इसको थोड़ा सा फेटिएगा, ताकि बेसन थोड़ा हल्का हो जाए। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, मैंने ये सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे तेल मेरा हल्का गर्म हो गया, पहले मैंने हाई की थी, फिर मैंने थोड़ी सी लो कर दी, मीडियम कर दी है, मीडियम टू लो। अब मैं इसमें पकौड़े डालूंगी, जिस भी साइज के आप खाना चाहो, हमारे यहाँ थोड़े थोड़े बड़े डलते हैं थोड़े से, तो मैं इसलिए थोड़े से बड़े बनाने जा रही हूँ। आप छोटे बनाना चाहो तो आप छोटे बना सकते हैं, आप हाथ से डालिए, स्पून से या कड़ची से, किसी से भी आप बना सकते हैं। देखिए कितने गोल बन रहे हैं स्पून से भी। तो गैस को मैं बिल्कुल मतलब मीडियम टू लो रखा हुआ है, हाई नहीं करना, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। एक बार में जितने भी आ जाए, एक तरफ से सिक जाएंगे, फिर मैं पलट के दूसरी साइड से सेकूंगी। ये मैं थोड़ा सा ऊपर ऑयल डाल रही हूं, ताकि ये जल्दी से दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए इस तरीके से। ये देखिए नीचे से निकलने लगे हैं, साथ आ जाएंगे, तो ऑयल मेरे को डालने में ये इजी रहेगा। तो ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाएंगे, और पलटने में क्या होगा, कई बार बेसन लग जाता है बर्तन में, वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहां से भी ये सिक जाएंगे। देखिए पकौड़ियां मेरी सिक गई हैं, अच्छी पिंक कलर की सिकी हैं, अच्छे मैंने सिम पे ही सेका है, अंदर तक अच्छे से सिक गई हैं। अब मैं इसी तरह थोड़ी सी और बनाऊंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी और बनाऊंगी। देखिए दूसरा बैच मेरा बन के रेडी है। अब मेरे को ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए तड़के के लिए, तो मैं ये है इसको स्लो कर देती हूँ, और अभी बाकी का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल देती हूँ। कढ़ी भी मैं इसी कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, तो अब इसको मैं थोड़ा सा सेम कर देती हूँ। ये पकौड़े और मैं कढ़ी का बेसन एक साथ लेती हूँ, तो ये बेसन मेरा अभी है, इसमें बच गया है, तो मैं इसी में इसका अच्छे से पानी डाल के एक स्मूथ बैटर, बिल्कुल पतला बैटर मेरे को तैयार करना है। कढ़ी के लिए हमें बिल्कुल पतला ही चाहिए, और इसमें हमारे 3 जनों की कढ़ी हो जाएगी। एक्चुअली कढ़ी तो वैसे भी ज्यादा पसंद आती है, और बासी होने के बाद तो और टेस्टी लगती है दूसरे दिन। तो इसमें पानी की कोई टेंशन नहीं, कितना भी आप डालिए, अगर थोड़ी पतली लगी तो मैं बाद में देखूंगी, अदरवाइज मैं अभी थोड़ा सा और पानी डाल के इसको पतला कर दूंगी। कढ़ाई में मैंने बहुत ही कम ऑयल छोड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें हींग डालूंगी, गैस को मैंने बिल्कुल सिम रखा हुआ है, आप भी तेज मत करिएगा। और ये है सरसों के दाने,
बहुत टेस्टी लगते हैं इसमें। यह है थोड़ा सा मेथी दाना और यह है जीरा। इन सबको मैं अच्छे से लाल कर लूंगी। बिल्कुल सिम गैस को आप रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। बिल्कुल इसको हल्का सा भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ये देखिए भुन गया है। अब मैं यहाँ पे इसमें हल्दी डालूंगी एक चम्मच, ये और थोड़ी सी मतलब सवा चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाली है। उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि कलर बहुत अच्छे से आए। और यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ एक चम्मच कुटी मिर्च। आपके पास ना हो तो आप पाउडर वाली भी डाल सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी मैं। थोड़ा सा डालने वाली हूँ काली मिर्च पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। किसी को कोल्ड हो तो गरम गरम एक उबाल जब आता है कड़ी खा जाइए तो उससे बहुत रिलैक्स मिलता है। तो देखिए गैस को सिम रखिएगा वरना मसाले जल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे जो बेसन का मैंने घोल बनाया था ये मैं डाल दूंगी। अभी मेरी गैस सिम ही है, बेसन में नमक मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी। और अब जब मैं तेज कर दूंगी तो जो फर्स्ट बॉयल आता है उसमें हमें ध्यान से पकानी है। अगर हम चलाएंगे नहीं तो लम्स पड़ने का डर रहता है। तो पानी में अभी नहीं डाल रही, एक साथ मैं नहीं डालती, मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूं। अभी मैं इसको कंटिन्यू चलाती रहूंगी। देखिए कढ़ी अब थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है तो यहां पर बहुत ध्यान रखना है। और यहां पर मैं थोड़ा सा चलाते हुए इसको, और अब जो है ये थोड़ा सा उसी कटोरे में मैंने पानी डाल लिया, मैं थोड़ा सा करके अभी डालूंगी। बस मैंने आधा गिलास ही यहाँ पे अभी लिया था, अभी ये डाल दूंगी। धीरे धीरे करके मैं पानी ऐड करूंगी इसमें, बहुत अच्छे से पकेगी ये। देखिए कड़ी ठीक होने लगी है। मैं यहाँ पे ये दही डाल रही हूँ, मैंने खट्टा दही मंगाया था। आप लस्सी दही कुछ भी डाल सकते हैं, कड़ी हो तो खट्टी बहुत अच्छी लगती है। तो कंटिन्यू मैं यहाँ पे चलाऊंगी इसको, और ये अभी और ठीक है तो मैं इसमें और पानी डालूंगी। इसको मैंने अभी मीडियम ही रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे दो लौंग ऐड करने जा रही हूँ। आप देखते हो कि कढ़ी थोड़ी देर बाद बहुत थिक हो जाती है, तो ये लौंग डालने से वो इतनी थिक नहीं होगी कि बहुत प्रॉब्लम होती है पानी डालते रहो से नॉर्मल करते रहो। तो मैं दही भी पहले नहीं डालती, दही पहले आप डालोगे तो थोड़े पकने में टाइम लेता है, इसलिए एक बॉयल आने के बाद आप उसमें दही डाल सकते हैं। अभी ये मेरे को थोड़ी सी और गाढ़ी लग रही है पर मैं अभी नहीं डालूंगी। और ये मैंने ना मलाई घी बनाया था तो ये पड़ा हुआ है, तो अब यही वाला इसमें पानी डालूंगी। घी का जो पानी बच जाता है ये मट्ठा जस्ट मट्ठा टाइप, तो वो मैं अभी डालूंगी। एक बॉयल आके आएगा तो मैं इसमें पकौड़ियां ऐड कर दूंगी। देखिए कढ़ी अच्छे से पकने लगी है। अब यहीं पे मैं यहाँ पे इसमें पकौड़ी ऐड कर दूंगी ताकि ये भी अच्छे से नरम हो जाए। अब मैंने नमक नहीं डाला था स्टार्टिंग में, अब मैं इसमें नमक डाल रही हूं। अभी और पानी में ऐड नहीं करूंगी क्योंकि ये कढ़ाई से नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे डेढ़ चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। तड़का मैंने अभी नहीं डाला, मैं बाद में प्याज और मिर्च का तड़का लगाती हूँ ऊपर से। तो अभी इसको हम पकने देते हैं, ढक के बीच बीच में हम देख लेंगे इसको। करीब 25-30 मिनट तक तो ये पकेगी, वेट करते हैं अभी इसके पकने का। कढ़ी को पकते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। यहाँ मैं अब ये पक के अच्छे से तैयार हो गई है। यहाँ मैं करती हूँ गैस को ऑफ और इसे डिश आउट कर लेती हूँ।
कढ़ी हमारी बन के रेडी है और ये ऊपर से मैंने डाला है मिर्च, प्याज और लाल मिर्च का तड़का, जो बहुत ही इसको एक अच्छा सा यूनिक सा टेस्ट देता है। ऊपर से डालिए प्याज तो बहुत ही टेस्टी लगती है, बीच में अगर आप डालोगे स्टार्टिंग में तो वो घुल जाती है। इस तरीके से बना के देखिए कढ़ी, एक बार तो बनाना बनता है और बताइएगा मुझे कैसी बनी है कढ़ी। और फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और खुशियां बांटिए, खुद भी खुश रहिए। बाय एंड टेक केयर।